फोटो सेशन इन लोगों का, ये देखो फोटो सेशन हो रहे हैं भाई इनकी फोटो सेशन चल रही है। और ये मेरे पीछे पड़ा है फोटो खींचने की, बट मैं नहीं खींच रही, मैं नहीं खींच रही। हाँ तो गाइस बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, इट्स वेरी नाइस अमेजिंग। अबे रोड पे मत चल, इधर कोने कोने से चलियो ठीक है। और मेरी एक लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हैं ठीक है। ऐसा फील आ रहा है जैसे गोवा वाली वो है कैंप है, गोवा वाली बीच पे, बीच थोड़ी है ये मसूरी। मैंने अपनी मम्मी को बोला जैसे मसूर की दाल होती है वैसे ही मसूरी, आन जान दी पसूरी। सबका वो फोटो लियो, ये मेरा छोटा सा परिवार है, इन छोटे परिवार को लेकर मैं इस दुनिया के छोटे से संसार में आई हूँ जिसका नाम है मसूरी। पहुंच गए हम और गाड़ी को पार्क ला के अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल में नहाने के लिए। ओके ओके गाइस तो चलो फिर मैं आपको गाड़ी पार्क करके अब हम निकल ही रहे हैं बस के नहाने के लिए वाटरफॉल में। चलो चलेंगे।
₹50 की मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदी थी। चेंज करनी है भाई, पानी बहुत ठंडा है। तो फाइनली चेंज वगैरह करके हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से। हमारे होटल वाले ने हमें धोखा दे दिया। अब हम यहाँ से जाएंगे देहरादून, देहरादून घूम के फिर निकलेंगे दिल्ली, दिल्ली के लिए। धोके काफी सारी चीजें हमने नीचे से खरीदी है और अब हम निकल रहे हैं वापस देहरादून के लिए। कोई बात नहीं। अरे यार इतनी तेज भूख लग रही है और इतना गंदा जाम लगा हुआ है, फंसे हुए जाम बहुत ट्रैफिक लग रहा है। क्या मसला, ये डीजे पार्किंग भी वहाँ नहीं लगाया अभी यहाँ लगा। तो गाइस हम लोग देहरादून पहुँच गए और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाने का ऑर्डर किया था तो पेट भर गया। तेरा भूख लग रही थी? जो रेस्टोरेंट था ये प्योर वेज नहीं था, तो मम्मी और मेरा जो भाई है अमन, अब वो ये दोनों बाहर से खा के आए हैं और हमने यहाँ पे थाली ऑर्डर करी। मैं भी वेजिटेरियन हूँ बट इतने नखरे नहीं है कि मतलब जहाँ नॉन वेज बनता है वहाँ नहीं खाना, बट मेरी मम्मी के हैं थोड़े नखरे तो इस चक्कर में वो बाहर जाके खा के आई है। हम लोग देहरादून से ट्रैवल करते करते पहुंच गए हैं हरिद्वार जो है, और अब हम सोच रहे हैं जा चुका है हरिद्वार में रेलवे स्टेशन का ठीक सामने। अब यहाँ आपको बस दिखी एक भी खड़ी? हाँ, तो फिर अब हम पहुंच गए हरिद्वार। अब हम जाएंगे हर की पौड़ी घाट पे और वहाँ पे हम गंगा स्नान करेंगे। तो बोलो गंगा मैया की जय। ठीक है ओके। इतनी दूर जितनी हरिद्वार है हमारे घर से, रोटी सब्जी सब का भी था। अरे यहाँ एकदम घटिया खाना। तो हर की पौड़ी पौड़ी की तरफ हम लोग जाते हैं। टर्न लेफ्ट ऑन टू हरिद्वार मेन रोड। होने का प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था बट हम फाइनली यहाँ पे आके हरिद्वार में रुक रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो गई है। तो हमने यहाँ पे होटल लिया है, सो मैं दिखाती हूँ। अब हम लोग रात को जा रहे हैं हरिद्वार घूमने के लिए, एक बार वॉक करेंगे फिर सुबह सुबह नहाएंगे और डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। पार की गलियों में घूम रहे हैं भाई, रात के 12 बजे मजा आ रहे हैं। जय हो गंगा जी की, गंगा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी गंगा जी दिखाऊंगी, गंगा जी का पट साइड में चलवाई। ये हरिद्वार की मार्केट है हर की पौड़ी। हमने होटल लिया है मार्केट में, अब यहाँ से हम पैदल पैदल चल के जा रहे हैं हरी की पौड़ी घूमने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद सुबह हम लोग नहाने के लिए जाएंगे। अरे बना बनाया सूट चाहिए, सूट खरीदने जा रहे हैं मम्मी के लिए। ले लिया है सूट मम्मी के लिए, अभी सूट लेके हम जा रहे हैं। अब कल पहनेगी। बहुत सही दुकान है ये, रेट्स वगैरह बहुत बेस्ट थे इनके। तो शॉपिंग करते करते हम जा रहे हैं, हमने ये सब काफ़ी सारी चीज़ें ली है, मंदिर घंटी ओखली दिया ये सारी चीज़ें ले ली हमने यहाँ से। बट मार्केट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मार्केट ख़त्म ही नहीं हो रही हरिद्वार की। अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पे आके।
चलते चलते ना भड़की पोली पहुँचने वाले हैं। महेंद्र भाई की लड़की के लिए कोई कपड़ा लेना है। पहुँच गए हैं भड़की पोली, ये रही गंगा जी, जय गंगा मैया की। हम लोग के भी देखा थी इतना गंगा मैया की जय हो, जय हो गंगा मैया। तो हम हरकी पौड़ी के घाट पे बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे, प्यारा है वो देखो चांद, बहुत ही सुंदर है यार, कितनी सुंदर। जय गंगा मैया की जय। ये जो है ना ये, हाँ ये कम गहरा वाला है, इसमें गहराई बहुत कम है, यहाँ नहाते हैं ये है हर की पौड़ी, गहराई तो उतनी होगी। और वो जो है वो है ज्यादा, ये प्लास्टर करके बनाया गया अलग से नहाने वहाने के लिए लोगों को, समझ गई, वो है तेज बहाव वाला, उसमें लोग नहीं नहाते। हरिद्वार में चलते चलते वहाँ पहुँचे इस ढाबे में, अब यहाँ पे हम खाना खाएंगे। हम होटल फाइनली, बहुत ज्यादा थकान हो गई है। हाँ कल सुबह उठेंगे, गंगा नहाएंगे हरिद्वार में, फिर से जाएंगे हर की पौड़ी और नहाएंगे फिर से गंगा वहाँ पे, और फिर निकलेंगे हम दिल्ली के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, अ न्यू मॉर्निंग इन हरिद्वार। हरिद्वार में सुबह सुबह उठ चुके हैं हम, सुबह के 6 बज रहे हैं, और अब हम जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए और पूजा करने के लिए। उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि हम चंडी देवी जाएं, सॉरी मनसा देवी जाएं, एंड देन दिल्ली। क्या कहना है भाई, हरिद्वार आई गुड मॉर्निंग, आई गुड मॉर्निंग। ओके अब मैं रेडी होके दोबारा से बात करती हूँ, मैं जा रही हूँ रेडी होने। होटल के रूम के खिड़की से ना मनसा देवी दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये देखो मनसा देवी टेम्पल, ये हमारे जस्ट बेड के खिड़की से ही दिखाई देगा, मनसा देवी जी का टेम्पल। और हमें यहाँ से उड़न खटोले भी दिख रहे हैं चलते हुए, रोप वे से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखो मेरी मम्मी कैसे देख रही है बाहर को, तो मैंने दिखाया आपको कैसे हमारे बेडरूम से मनसा देवी टेम्पल दिख रहा है। तो अभी हमने मंगवाई है सुबह सुबह कॉफी, अब हम पियेंगे कॉफी एंड नाइस कॉफी। कॉफी पी के नहा धो के अब निकलते हैं, नहाएंगे नहीं अब, सीधा गंगा जी में स्नान करेंगे और पूजा करेंगे वहीं पे। ये उठ गया कुंभकर्ण बहुत देर, एंड जल्दी जल्दी तो जाओ, चलो ना चल क्यों नहीं रहे तुम। दिस इज माय न्यू क्लिप, के लोग जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं, बहुत बिहारी सब मकान बना रहे हैं, कर रहे हैं हम चेक आउट होटल से, हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है, अब हम गंगा जी में स्नान करेंगे तो और मजा आएगा।
तो हम यहाँ से ड्राइव करके जाएंगे हरिद्वार हर की पौड़ी के पास और फिर वहाँ पे नहाएंगे। हम गाड़ी के पास आ गए, बस मम्मी पापा नहीं आए, उनका वेट कर रहे हैं और फिर जैसे ही वहाँ आएंगे हम निकलेंगे हर की पौड़ी के लिए। सोच रहे चंडी देवी जाने का, अभी तक प्लान डिसाइड नहीं हुआ है, बट मेरा तो मन है जाऊँ क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई थी चंडी देवी, तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे चंडी देवी मनसा देवी सॉरी हाँ मनसा देवी है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ चंडी देवी और मनसा देवी में। हरिद्वार की गलियों में आपका स्वागत है, हमें हरिद्वार की गलियों में इतना सुंदर 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 अंकल जी भी ना, ये मम्मी चूड़ियां खरीदती हुई थोड़ा छोटा साइज है जहाँ दुकान दिख रही है वहीं रुक रही है मम्मी। खाता ही रहता है हमेशा, किसी और दुकान टाइम बर्बाद कर दिया। पहुंच गए पूरा हरिद्वार तक और हम लोग यही गली में अटके पड़े हैं, चूड़ी खरीद रहे हैं, चूड़ी खरीदते हैं। अरे जल्दी जल्दी चल यार, भीड़ बहुत है यार मंगलवार को भी। पापा मैं कोई बात बोलता हूँ ना मानते नहीं है। हरिद्वार आए हैं गंगा जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ पर चप्पल वप्पल उतारेंगे। नीचे होता है ये तो। बहुत आई सुंदर सुंदर कोई गिरेगा तो नहीं ऐसे करने हरिद्वार नेशनल हाईवे 334 चंडी देवी की ओर बढ़ रहे हैं हम। ये असली गंगा है, ये है असली की गंगा माँ, बड़ी गंगा मैया है ये, छोटा गंगा से इसी में सारे पानी कलेक्ट। चंडी देवी मंदिर जाने वाला रास्ता यहाँ पे 220 रुपए का सिर्फ चंडी देवी, और अगर चंडी देवी और मनसा देवी दोनों घूमना है तो 350 रुपए में, तो हम सोच रहे हैं सिर्फ चंडी देवी का ले लेगा क्योंकि हम मनसा का टिकट काउंटर। चल रहा है 525 नंबर और हमारा नंबर है 540 उड़न खटोला में चढ़ने का। टिकट मिलती है फिर एंट्री करानी होती है, उसके बाद हम वेटिंग एरिया में बैठते हैं। मैं बहुत छोटी थी तब आई थी यहाँ पे, अब मैं काफी टाइम बाद आ रही हूँ। वीडियो बन रहा हम लोग वेट कर रहे हैं अभी, हमारा नंबर है 540, वी आर वेटिंग हियर। अब हम लोग ऊपर जाके बात करेंगे आपसे, उतारेंगे हम चप्पल। और अब हम यहाँ से करेंगे पैदल यात्रा, इस वाले घाट पे नहाएंगे हम लोग।
छोड़ देना। पकड़ियो यूं ही पकड़ियो। ये ट्राइपॉड भी बन जाता है ना, पता नहीं है तुझे?